साथियों, जिस मकसद से आपको बुलाया गया है ये सब लोग जान रहे हैं। बैनर के माध्यम से वो आपके सामने भी लगा हुआ है, पीछे भी लगा हुआ है। आप लोगों के दुआ आशीर्वाद से 5 सालों में मैंने जो काम किया है उसको आप लोगों के बीच बताने के लिए, क्योंकि आपका जो विरोधी है वो झूठा प्रचार कर रहा है कि कोई काम नहीं किए हैं, हम विकास किए हैं, विकास के नाम पर आप लोग हमको वोट करिए। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने दुआ दिया, आपने आशीर्वाद दिया, तो मैं आपका एक सेवक के रूप में 5 सालों में जो काम किया है आप लोगों के बीच मैं रख दिया। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो और भी वक्ता आपको बताए हैं, जैसे ANM कॉलेज हो, ITI कॉलेज हो, या आपको करमाओं में पावर सब स्टेशन का मामला हो, इस तरीके से बहुत सारी मामला है, बहुत सारी योजनाएं हैं जिसने हम लोगों ने काम किया है। और आपको बता दूं कि ढाका में जो रेफरल अस्पताल है, हमारे वालिद मरहूम जनाब मतीउर रहमान साहब ने उस हॉस्पिटल की स्थापना करवाई थी। आज उसका बिल्डिंग का जो दयनीय हालत आज से नहीं, लगभग 8-9 सालों से है, लेकिन किसी ने उसको देखने का काम, पूछने का काम नहीं किया। लेकिन मैं सरकार में नहीं रहते हुए भी वहाँ लगभग 12 करोड़ के लागत से बिल्डिंग का शिलान्यास परसों हमने किया है। इसलिए काम तो बहुत सारा है, सब आपके सामने है, आप देख ही लेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में हाई स्कूल, कई जगह हाई स्कूल बनवाने का भी हम लोगों ने काम किया। और आपको बता दें, जिस जमुआ घाट पुल का उद्घाटन किया है, आपको बता दूं 2007 में ही मेरे वालिद मोहतरम माननीय मुख्यमंत्री जी से जाकर मिले थे, साथ में रामचंद्र सहनी जी भी थे। जब हम अब्बा के नहीं रहने के बाद हम मुख्यमंत्री जी से जब मिलने गए, कोई बात हो गई थी हम लोग के राष्ट्रीय जनता दल से, किसी कारण से हम लोग अलग हुए, माननीय मुख्यमंत्री जी बुलाए, बुला कर यही बात बोले कि आपके पिताजी आए हुए थे, जमुआ घाट और जटवा घाट पुल के बारे में उन्होंने हमसे मांग किया है। मैंने कहा था कि रहमान साहब, मैं जरूर इसको पूरा करूँगा, मैं आऊँगा आपके गाँव में, आपके यहाँ भोजन करूँगा, उसी दिन उस चीज़ का उद्घाटन भी करेंगे। आप भी मेरे साथ जुड़िए, अब वो नहीं रहे इस दुनिया में, आप मेरे साथ आइए। हम लोगों ने लोगों से राय विचार करके जो भी हुआ हम लोग गए उनके साथ, उन्होंने मुझे बिहार का यूथ का अध्यक्ष बनाया। मैं हमेशा जटवा घाट के पुल के बारे में और जमुआ घाट के पुल के बारे में हम लगे रहते थे। आपको बता दें कि जटवा घाट इससे पहले हो गया, वहाँ भी जटवा घाट का जब उद्घाटन करने माननीय मुख्यमंत्री जब पहुँचे तो हमारे उस दल में, जदयू में, बहुत सारे लोग अपने बारे में कि हमने बनवाया, हमने बनवाया, हमने बनवाया, हमने पोस्टर लगवाया। मेरा भी पोस्टर लगा, वहाँ के लोगों ने मेरा पोस्टर को फड़वा दिया कि इसका नाम हो जाएगा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जब स्टेज पर पहुँचे तो उन्होंने कहा कि इस पुल के बारे में जनाब मतीउर रहमान साहब हमको बताए थे। उसके बाद फैसल रहमान जब भी पटना आते थे तो इस जटवा घाट के बारे में हमेशा हमें कहा करते थे। आलम ये हो गया था कि जब फैसल का चेहरा देखते थे तो जटवा घाट याद आता था। इसलिए वहाँ के जो लोकल जो लोग भी थे उनका विरोध भी वहाँ झेलना पड़ा। उसी क्रम में इस जमुआ घाट का भी काम हुआ है, और काम होने के बाद सब कुछ हो गया तो जमुआ के साइड में यहाँ के जो माननीय पूर्व विधायक हैं वो अपने लोगों को समझा के सिखा के उधर पीछ होने से रुकवाया कि कम से कम इसके चरण में नहीं होगा उद्घाटन, तो कहेंगे एक उद्घाटन भी अपने गांव का नहीं करा पाया। DM साहब को चिट्ठी लिखकर भेजता है कि रोड अभी पूरा नहीं हुआ है, पुल बना नहीं हुआ, उद्घाटन होने जा रहा। मैंने कहा कि सब कुछ बन चुका है लेकिन किसी के पेट में दर्द हो रहा है कि इसके टाइम में उद्घाटन कैसे हो जाएगा। मैंने DM साहब को बोल दिया कि हर हाल में कल जमुआ घाट का उद्घाटन होगा, इसके लिए जो होना होगा होगा, इसका कोई परवाह हम नहीं करेंगे। आपको बता दे, बताया गया कि वहाँ राइट हो जाएगा, दंगा हो जाएगा, हिंदू मुसलमान हो जाएगा।
अरे भाई इस पुल का क्या दोष है, वहाँ क्यों दंगा कराना चाहते हो, तुम क्यों राइड कराना चाहते हो, उस पर हिंदू भाई भी चलेगा मुसलमान भाई भी चलेगा, अगर उद्घाटन कर लिए तो इसमें तकलीफ किस बात की। इसलिए साथियों आपको सब पता है, आपने 5 साल जो देखा है हमने काम किया, इससे पहले भी आप लोगों ने 5 साल देखा होगा, उसके पहले भी आपने देखा होगा जब मेरे वालिद मोहतरम जब इस यहाँ के 10 साल विधायक थे तो उनको किस बात से हराया गया, यही लगे हिंदू मुसलमान, लेकिन लोग उस टाइम नहीं समझ पाए थे, समझते थोड़ा लेट हो गया, लेकिन अब यहाँ का हिंदू भाई भी समझ गया है, हम मुसलमान भाई भी समझ गया है कि इसके बहकावे में हमको नहीं आना है, हम लोग अगर वोट करेंगे तो विकास के नाम पर वोट करेंगे। इसलिए मैं आपको उदाहरण के तौर पर एक दो बताना चाहता हूँ, आपको यहाँ करमाऊ गाँव में जाके देखिए, मेरे पिताजी का किया हुआ सोलिंग आज सौभाग्य मुझे प्राप्त है कि मैं उसका ढलैया करवाने जा रहा हूँ, आज काम शुरू है, मुझे सौभाग्य है सरट्ठा खैरवा से जो सरट्ठा जाता है वो रोड भी मेरे पिताजी का किया हुआ था, उसको मैंने बनवाया है। इस तरह के बहुत सारे सड़कें हैं जिसको मैंने बेगर भेदभाव किए हुए मैं हरेक लोगों का काम किया है, कोई ये नहीं कह सकता है कि किसी जाति विशेष को मेरे से तकलीफ हुआ होगा, मेरे बातों से तकलीफ हुआ होगा, मेरे कामों से तकलीफ हुआ हो, मैंने सिर्फ काम किया है। मैंने अगर मैं किसी का गरीब का अगर मदद किया तो क्या ढोल पिटवाए बैनर लगवाएंगे, मैंने जो किया मैंने किसी को कहा नहीं, अगर 100 रुपया का तुम क्वारंटाइन सेंटर पर अगर लिफाफा भेज दिया 100 रुपया का बिस्कुट लेके तो पूरे हर भाषण में वही हल्ला हो रहा है, वही चिल्ला रहा, मैंने यह किया मैंने वह किया। अरे गरीब का अगर किसी को मुसीबत में मदद किया जाता है तो उसको किसी को कहा नहीं जाता है, इसलिए ये सब बात कहने और सुनने की बात है। हमसे पहले यहाँ क्या होता था, जाइए अनाज साल में 3 महीना 4 महीना गरीब का अनाज बेच के 10-10 लाख रुपया महीना ले लेता, लेकिन मेरे टाइम में मैंने साफ कह दिया कि रेट भी सही होगा और रेट भी सही होगा, उसके खिलाफ अगर कोई करेगा तो ये चीज़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, जिसके कारण आप देख लिए हर महीने हर घर को हर लोगों को मिलता, भले कोई डीलर इधर उधर करता होगा, ऐसा नहीं है कि 100% बोल रहे सही हो गया होगा, कुछ होगा उसमें गड़बड़ी, लेकिन जो लोग बताते हैं उसके लिए भी हम लोग तैयार रहते हैं, तुरंत उस पर कार्रवाई होती है और जो सही है जेन्युइन करिए भाई, सरकार आपको कमीशन दे ही रहा है। इससे पहले हाई स्कूल के हेडमास्टर लोगों से जाके पूछिए, आज हम भी जो भी विधायक होता है स्कूल का अध्यक्ष होता है, आज हम भी अध्यक्ष हैं, पूछ लीजिए किसी हेडमास्टर से कहेंगे जबरदस्ती चेक काट दो, उसके टाइम में कहता था एक पंडित जी थे भंडार हाई स्कूल में, उनको कहा कि कमर में रस्सी बांध के खींच के ले जाएंगे तो चेकवा काट दो जल्द। ऐसा काम किया हर विभाग में अपना एक एक तो प्रतिनिधि बनाया था, एक मिनट थोड़ा आप लोग बैठ जाइए, आपको पता होना चाहिए ढाका से लेकर घोड़ासहन तक हर विभाग में अपना प्रतिनिधि बनाया था, प्रतिनिधि नहीं था वो कलेक्शन एजेंट था, सभी विभाग से पैसा हर महीने हिसाब जाके करता था कि इतना हिसाब हुआ इतना हिसाब दिया और ले आके विधायक जी को पहुंचाता था। मेरे रिजिम में कभी हुआ है कोई बता दे कि मेरे रिजिम में कोई अगर 1 रुपया विधायक के नाम पर लिया होगा तो मैं जिंदगी भर के लिए राजनीति से संन्यास ले लूँगा। इसलिए साथियों ये सब किसी के बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है, काम किए हैं काम के नाम पर, फिर आपसे उम्मीद करता हूँ कि उसी तरीके से आपका आशीर्वाद और आपका दुआ हमें मिलेगा, और मुझे उम्मीद है मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ कि मुझे ये उम्मीद ज़रूर है जो मैंने काम किया और जो मेरे वालिद मोहतरम के अधूरे सपनों को मैंने पूरा करने का प्रयास कर रहा हूँ, अभी तक किया कर नहीं पाया हूँ पूरा, लेकिन कर रहा हूँ, इसमें आपकी दुआ की आवश्यकता है, आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है।